विघ्नहर्ता भगवान गणेश बहुत जल्द ही विराजित होने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के तत्वावधान में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कलकत्ता से आए कारीगरों द्वारा अथक परिश्रम कर सेटअप तैयार किया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इस वर्ष न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति का थीम पर्यावरण संरक्षण को लेकर है। सपनों की नगरी जो कि पेड़ पौधों व फूलों से सज्जित हो, इसका निर्माण बहुत बारीकी से किया जा रहा है। हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर गणेश पंडाल की तैयारियों को लेकर समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मौसम आया, देवा का मौसम आया। जी हाँ, बप्पा जी गणेश हमारे विघ्नहर्ता भगवान जल्द ही विराजमान होने वाले हैं और जगह जगह पर विराजित होते हुए पूजा अर्चना का दौर भी लगातार चलता ही रहेगा। आज इस वक्त हम जहाँ पर हैं, सेक्टर 2 गणेशोत्सव समिति है, इसका नाम है न्यू आज़ाद गणेशोत्सव समिति। 39 वर्ष से लगातार बहुत ही अच्छा गणेशोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। बड़ी भव्यता से यहाँ पर तैयारियाँ की जाती है और हम बता दें आपको कि लगभग एक महीने से ये सब तैयारियाँ चल रही है। हम आपको पूरा सेटअप दिखाने चाह रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं अंदर। तो दर्शकों, हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, किस भव्यता से पंडाल को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस बार का थीम जो है, हमें बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इस बार का जो है वो थीम रखा गया है। आप देख सकते हैं जो पूरी भव्यता से यहाँ पर फोम से फ्लावर तैयार किए गए हैं, पूरे रंग रोगन के साथ में। ज़्यादातर तो ये सफ़ेद कलर के ही हैं और ये शायद मच्छरदानी है। उससे पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है। फ्लावर बड़े बड़े ही यहाँ पर थर्माकोल के और फोम के बनाए गए हैं। चलो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सेटअप के अंदर। देख सकते हैं आप, ये बड़ा ही खूबसूरत ट्री बना है, फोम का है। ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर ही जागरूक करने लोगों को ये बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर बड़ा भव्य और खूबसूरत पेड़, और साथ ही जैसे हम सपनों में होंगे उस तरह की यहाँ अंदर, जैसे हमने एंट्री की है तो हमें ऐसा लगा कि हम कोई बहुत ही खूबसूरत सा सपना देख रहे हैं। और शायद यही सपना पर्यावरण को लेकर यही इस बार का थीम है। हम कारीगरों से बात करेंगे। तो हम सेटअप में पहुंच रहे हैं, देखेंगे किस तरह की यहाँ पर तैयारी, कलाकृति और खूबसूरत फ्लावर बना रहे हैं। आ गए भैया जी। भैया बताएंगे आप लोग यहाँ पर कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हो गया महीना भर, हो गया यहाँ तैयारी शुरू किया है। क्या थीम रखा गया, जैसे पिछले बार रखा गया था पर्यावरण को लेकर, न्यूज़पेपर से पूरी तैयारियाँ यहाँ की गई थी, इस बार कुछ अलग ही बहुत दिवा स्वप्न सा लग रहा है, ये क्या तैयारी है? भी उसी प्रकार का है, लेकिन सपना। हम लोग का पर्यावरण जो ख़राब हो रहा धीरे धीरे, तो हम लोग तो उसको अभी वापस लाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हम लोग सपने में जो सोच सकते हैं, हाँ सपना ऐसा है वो इस प्रकार दुनिया होना चाहिए, इसी थीम को हम लोग ला रहे हैं अभी इस बार, सपना। मतलब आपका कहने का मतलब है जो पर्यावरण जो इन्हें आजकल असंतुलित हो चुका है और वो असंतुलन पे रहे, हम सपने में देख रहे हैं कि पर्यावरण किस तरह संतुलन में। तो ये जो फ्लावर देख रही हूँ, ये सब किससे बनाए गए हैं? ये फ्लावर्स हैं, ये बनाए हैं फॉर्म का, टोटल फॉर्म का फॉर्म। हाँ, और क्या क्या लगाया गया इसमें? फॉर्म है आपका, मच्छरदानी है, कपड़ा और लकड़ी, हाँ, और जैसे छोटा बड़ा चीज़ है, इसको पाइप है, और ये जो है आपका फॉर्म का बना हुआ है, ये जो 16 पेड़ नहीं बनता पेड़ से, उसको कटिंग करके इसको बनाया गया है। देख सकते हैं दर्शकों, बड़ी खूबसूरती से इस फ्लावर को भी तैयार किया गया है। बड़े बड़े फ्लावर हैं, वाकई अनुभूति इस तरह की हो रही कि हम किसी सपने में हैं। हम यहाँ पर शीनू भैया के भाई जो हैं, हम भैया जी, शीनू भैया थोड़े से बीमार चल रहे हैं भी, इसलिए हम भैया से बात करें। भैया बताएं, न्यू आज़ाद गणेशोत्सव समिति कितने वर्षों से गणेशोत्सव का आयोजन कर रही है? यह लगभग 39वां वर्ष है न्यू आज़ाद गणेशोत्सव समिति का, और समिति लगातार प्रयास कर रही कि शहर में कुछ नया चीज़, अनूठा चीज़ एक प्रस्तुत करें। उसी दिशा में इस बार जो स्वप्नों का महल जैसा, जैसे परियों का एक महल होता है, क्योंकि बच्चे आजकल पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि केवल मोबाइल में, और सबको उससे बाहर निकलने का मौका मिलता नहीं, कुछ ऐसा चीज़ नया देखने को मिलता नहीं, पर यहाँ पर आने के देखने के बाद उनको लगेगा कि सचमुच हम लोग एक जो परियों के महल में पहुँच गए हैं। कैसे, किस तरीके से इसको देखने के बाद ऊपर से लेके चारों तरफ हम देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है सचमुच में कोई
एक नए नगर में पहुंच गए, एक नए शहर में पहुंच गए। जब आँख बंद करते हैं तो केवल कल्पना करके ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, उस तरीके के जगह पर हम सब आ गए हैं। पिछले साल भी हमने देखा था, न्यूज़पेपर से पूरा सेटअप तैयार किया गया था, पत्रकारों को समर्पित था। हर बार गणेशोत्सव समिति लगभग 39 वर्ष से एक थीम लेकर चलती है, इसका उद्देश्य क्या है भैया? मैंने भी आपको जैसे कहा कि पिछले बार तो खैर आपने बता दिया कि पत्रकारों को समर्पित था, इस बार नेचर को समर्पित है ऐसा लगता है। जो अपन जब आंखें बंद करके जब बच्चे सोते हैं या अपन कल्पना करते हैं किस तरीके का होगा, तो एक नई दुनिया एक प्रकार से, जब हम चांद पे नहीं पहुंचे थे, चांद को किसी ने देखा नहीं था, तो बचपन में ऐसा लगता था कि चंद्रमा पर बहुत कुछ होगा, अब तो वहाँ तक पहुँच गए। तो ये भी आँख बंद करने से इस प्रकार की दुनिया को देखने का जो एहसास है, वो अपन उस एहसास का जो आनंद जो मिलता है, इस बार यहाँ पर सब लोग पहुँचने के बाद वो ज़रूर एक बार ऐसा ही एहसास करेंगे जैसे सपनों की दुनिया है। आँख बंद करके देखने पर जैसे परियों के बारे में सोचते हैं, उस प्रकार के थीम को यहाँ पर दर्शाया गया है। बप्पा जी की विशाल प्रतिमा पिछले वर्ष भी आकर्षण का केंद्र थी, इस वर्ष भी रहेगी, कहाँ बन रही है प्रतिमा और किस तरह का स्थापना की जाएगी? प्रतिवर्ष जहाँ अपना छत्तीसगढ़ का जो मूर्ति थनौत से ही लाने का होता है, इस बार भी वहीं थनौत से ही चाहेंगे। और मिट्टी की मूर्ति होती शुरू से, तो मिट्टी की मूर्ति है, बड़ा आकर्षक रहेगा इस बार, क्योंकि पिछले बार से शायद हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा, पिछले बार काफ़ी छोटा था पर आकर्षक था, तो इस बार भी वैसे ही रहेगा। मूर्ति तो खैर विधि विधान से जैसे पूजा पाठ करने के बाद बैठने के बाद जैसा दिखता है वैसे ही रहेंगे। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, व्यवस्थाएँ भी अच्छी होती है, इस बार अलग से ऐसी क्या व्यवस्था रखें? इस बार कमेटी जैसे कुछ कुछ छोटी मोटी अड़चने जैसे जूता चप्पलों को लेकर के कुछ व्यवधान था या स्टैंड को लेकर के, तो इस बार स्टैंड को हम लोगों ने, लोगों को उतना परेशानी ना होना पड़े तो स्कूल ग्राउंड के लिए भी हमने अप्रोच किया हुआ है कि जो खाली मैदान रहता है उस पर लोग पहुंच के आराम से आसानी से वहाँ रख सके, इस प्रकार की व्यवस्था है। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेले का भी आकर्षण का केंद्र, क्या मेला भी इस वर्ष रहेगा? जी 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 जी, इस बार मेला वो अब भिलाई में आने के बाद ही पता चलेगा कि लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस बार कुछ नया और अनूठा हुआ है। जब यहाँ पर अनूठा और